ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप सोचो, जब आप दिवाली और छठ मना रहे थे घर में ना, बड़ी खुशी से आप पटाखे फोड़ रहे थे, तब ये यहाँ पर खड़े होकर हमारे और आपकी सेवा कर रहे थे। ना जाने ऐसे कितने त्यौहार ये लोग निछावर कर देते हैं हमारे और आपकी सेवा के लिए, तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट तो बनती है यार। तो स्वागत है सभी का एक बार फिर से एक और ट्रैवल जर्नी, और अभी मैं हूँ आनंद विहार टर्मिनल पर। और आज की जर्नी हम करने वाले यहीं से, गाड़ी हमारी होगी हम सफर एक्सप्रेस, जो कि VVIP ट्रेन है दिल्ली से प्रयागराज के लिए। इस गाड़ी का सिर्फ एक और एक स्टॉप है, वो है कानपुर में, उसके बाद नॉन स्टॉप गाड़ी चलती है हमारी। तो चलिए अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए। छठ और दिवाली पर यात्रियों की सुविधा के लिए क्या किया गया था, देखो यहाँ पर ना एक बड़ा सा टेंट एरिया बनाया गया है। हालांकि दिवाली खत्म हो गई है, लेकिन अंदर चल के दिखाऊंगा भीड़ कैसी है। लेकिन उससे पहले बाहर देखें, यहाँ पर आप टिकट बुकिंग काउंटर वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। उसके साथ ही देखो इधर जो आप टैंक देख पा रहे हैं, ये टैंकर है पीने का पानी के लिए, एक दो टैंकर यहाँ पे लगाए गए हैं। और जो नॉर्मली यहाँ पर भीड़ होती थी ऑटो की ना, वो भीड़ आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी। तो रेलवे का ये मैनेजमेंट आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दूसरी तरफ देखेंगे ना, उसी के जस्ट सामने यहाँ पर देखिए टिकट काउंटर पंडाल लगा हुआ है, यहाँ पर यात्रियों की सुविधा के लिए सब लगाया गया है। और वहाँ पर इंक्वायरी काउंटर है जिसे पूछताछ केंद्र भी कहा जाता है। तो ये सारी सुविधा आपके लिए, जैसे आप मेट्रो से उतरेंगे ये वाले सेक्शन में आएंगे और जैसे नीचे उतर रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। सामने देखो दिल्ली मेट्रो जा रही है और इधर है आनंद विहार का मेट्रो स्टेशन। देखो ये सारे काउंटर बनाए गए हैं आपकी सुविधा के लिए, सारे अनारक्षित टिकट काउंटर, ताकि आप यहाँ पर बड़ी आसानी से टिकट बुकिंग कर पाएँ। और सामने की तरफ भी देख पा रहे एक पंडाल लगा हुआ है, वहाँ भी आप टिकट बुकिंग वगैरह सारी चीज़ें कर पाओगे। देखो भीड़ बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, ऐसा रेलवे ने मैनेजमेंट किया है। और सामने लगी LCD पर आप देख पाएंगे कौन सी गाड़ी कहां पर पहुंची है और किस गाड़ी का क्या समय है। सारा बेसिकली आप टेम्परेरी एक रेलवे स्टेशन ही बाहर बना दिया गया है। देखो सहायता बूथ भी है, हेल्प डेस्क भी है और कई सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए यहां पर बनाई गई है। बाकी चलते हैं बाकी की तरफ, आप कुछ दिखाते हैं क्या कुछ आगे है। देखो ये है आनंद विहार टर्मिनल का रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर भीड़ की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन भी नहीं है। लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो अभी क्या है करना ही पड़ेगा। ठीक है, देखो भीड़ को कैसे मैनेज किया गया है, यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल आपको लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा छठ के लिए जितनी भीड़ उमड़ती थी उतनी भीड़ है, या फिर मतलब नॉर्मल जो होती थी उससे भी कम है। इतनी अच्छी तरीके से मैनेज किया गया है रेलवे के द्वारा। हमारी गाड़ी निकलेगी प्लेटफॉर्म नंबर 3 से, तो फटाफट चल रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पर। और अभी टाइम है निकलने में, तो थोड़ा सा वहाँ की एक्टिविटी भी आपको दिखाऊँगा मैं। देखो कोई कह नहीं सकता कि छठ के समय ऐसा हाल होगा प्लेटफॉर्म्स का, देख रहे हैं बिल्कुल खाली। देखो ये जो येल्लो सी आप रस्सी देख पा रहे हैं ना, ये रस्सी बांधी जाती है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। इतना भी कैसा एक ही भाई खड़ा हुआ है, ऐसा कुछ सुविधा। देखो दोनों तरफ भी येल्लो रस्सी बांधी जाती है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। गाड़ी का टाइम शेड्यूल की बात करूँ तो ये गाड़ी 10:35 पर आनंद विहार चलती है, और एक स्टॉप जो 3:25 होता है कानपुर का, और उसके बाद 6:20 पर आपको प्रयागराज उतार देगी। यही गाड़ी अल्टरनेट होकर चलती है नई दिल्ली से भी। नई दिल्ली से जब ये गाड़ी चलती है तो नॉन स्टॉप प्रयागराज के लिए चलती है, और सेम पैटर्न है प्रयागराज से भी। जब ये रोटेशनल वे में चलती है नई दिल्ली के लिए तो नॉन स्टॉप, आनंद विहार के लिए चलती है तो कानपुर स्टॉप लेके फिर चलती है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ गई है आनंद विहार टू जोगबनी वाली ट्रेन, और अभी लग रही है आनंद विहार टर्मिनल के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। अभी लगी है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आनंद विहार टू कोटद्वार, और बिल्कुल खाली है। आपको खड़ी हुई में भी कहीं जाना होगा शायद इसको। देखो हम सफ़र के आने का टाइम हो गया और अब प्लेटफॉर्म पर भीड़ इकट्ठा हो गई है, देख रहे हो। और यहाँ पर रेलवे के GRP का जवान भी तैनात है हमारे आपकी सुरक्षा के लिए, लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं ना जो उनकी बात मानते नहीं। देखो ये हमारे और आपकी सुरक्षा के लिए, लेकिन उसके बावजूद ये रस्सी बांध दी गई है, रस्सी के पीछे आपको खड़े रहना है, क्योंकि इधर आने पे धक्का मुक्की होगी और कोई भी प्लेटफॉर्म पर आ जाए, कोई भी ट्रैक पर आ जाए तो उसका जान माल का नुकसान होना चाहिए। RPF के जवान यहाँ पर खड़े हैं हमारी आपकी सुरक्षा के लिए। थोड़ा सा यार इनकी बात मानो, मुझे लगता है फॉलो करना चाहिए, बाकी आपका अपना हो सकता है, क्या बोलूँ। गाड़ी हमारी आ चुकी है प्लेटफॉर्म पर, देखिए कानपुर के लोगों के साथ। हम सफर के ये वाले जो कोच है ना बिल्कुल अलग है, मतलब सारी ट्रेनों से बिल्कुल डिफरेंट। और VIP ट्रेन तो भाई एक नंबर की, आपको पता है।
तो चलिए आज का सफर का आनंद लेते हैं इसी में। तो गाड़ी भरी लगी है प्लेटफॉर्म पर और कोच अपना होगा SE1 स्लीपर का एक स्पेशल कोच होता है जो कि किसी भी इवेंट्स के दौरान लगाया जाता है, जैसे दिवाली, छठ, कोई फेस्टिवल होता है तो लगाया जाता है। लेकिन अभी जो है गेट खुला नहीं है, गेट खुलता है फिर अंदर चलते हैं। देखो सामने जनरेटर वाला कोच, गार्ड रूम जिसको गार्ड कोच भी जिसे बोलते हैं, और उसके बिल्कुल साथ में लगा हुआ है हमारा SE का कोच, SE1 ये वाला। बाकी आगे S1, S2, S3, फिर उसके बाद AC वाले कोच शुरू हो जाते हैं। चले चलते हैं हम अंदर की तरफ। ये इतने बड़ी बड़ी बोरियाँ भाई आपको हर ट्रेन में मिल जाएगी। पहले तो चालू में ज़्यादा दिखती थी लेकिन अब स्लीपर में भी ज़्यादा मिलने लगी है। और कहाँ जाएगा ये, बिल्कुल या तो गेट पर रखेंगे या तो रखेंगे बीच गैलरी में जो कि रास्ते को जाम करती है ऐसे। बिल्कुल देखो आप कैसे जाओगे। चलो भाई साहब चलो चलो आगे आगे बढ़ो। चलो जी चलो 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 भाई, इसको इधर रख दो, किधर रास्ते में रखोगे तो जाम हो जाएगा ये, रास्ते में मत रखना ठीक है। चलो 79 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लग रही है, कौन सी गाड़ी है थोड़ा उजाले में आए तो बताओ। आनंद विहार टू गोरखपुर, आनंद विहार से गोरखपुर के बीच चलने वाली गाड़ी लग रही है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ICF कोच के साथ। और देखो GRP के जवान ना तैनात है हमारी और आपकी सेवा के लिए। देखिए यहाँ से वहाँ तक देख रहे हैं ना सारे लोग, मैंने कई बार देखा लोग ना इनसे मिसबिहेव कर रहे हैं। देखो ये हमारे और आपके लिए, थोड़ा मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप सोचो जब आप दिवाली और छठ मना रहे थे घर में ना, बड़ी खुशी से आप पटाखे फोड़ रहे थे, तब ये यहाँ पर खड़े होकर हमारे और आपकी सेवा कर रहे थे। ना जाने ऐसे कितने त्यौहार ये लोग निछावर कर देते हैं हमारे और आपकी सेवा के लिए, तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट तो बनती है यार। तो आज की सीट हमारी है साइड लोअर जो कि मेरी फेवरेट सीट है, इसी में आज हम यात्रा करेंगे और मज़ेदार आपको व्यू दिखाऊंगा बाहर का, रात का भी दिखाऊंगा और दिन का भी दिखाऊंगा। दिन क्या, अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाएंगे लेकिन फिर भी दिखाऊंगा सारे व्यू आपको। तो ये मेरी लोअर सीट, लेकिन इसमें चार्जिंग सॉकेट नहीं है कहीं भी, देखो कहीं भी चार्जिंग सॉकेट नहीं है, इसकी सॉकेट जो है ऊपर दी गई, ये प्रॉब्लम है। अभी 10:35 और गाड़ी हमारी छूट चुकी है। देखिए यहाँ से कतार से गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, कुछ स्पेशल हैं कुछ रेगुलर ट्रेनें हैं। इधर अंधेरा है तो आपको थोड़ा मज़ा कम आ रहा होगा। गाड़ी हमारी एकदम ऑन टाइम आनंद विहार छूट चुकी है। देखो स्टेशन गाड़ी में 22:37 मतलब 2 मिनट हो चुका है गाड़ी को हमारी छूटे हुए। ठीक है सामने की तरफ खड़े स्पेशल जो आनंद विहार से गोरखपुर के बीच चलेगी, और स्टेशन अभी आप देख पा रहे हैं बिल्कुल खाली खाली से नज़र आ रहा है और इतने सारे जवान हमारी सेवा में लगे हैं। अब आपको दिखाता हूँ स्टेशन का डिपार्चर, ये देखो आनंद विहार टर्मिनल से गाड़ी हमारी ऑन टाइम निकल चुकी है। अब बाकी पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म देख रहे कैसा दिख रहा है आपको, और अब चलते हैं हम अंदर, अंदर से आपको वीडियोस दिखाएंगे ठीक है। गेट करते हैं बंद, चलो गेट बंद करो भाई, यहाँ से करो लॉक। बड़ा टेक्निक है यार, इसको दबाओ थोड़ा सा और इसको घुमाओ, ये चलो लॉक हो गया। अब अंदर से दिखाएंगे, अभी हम क्रॉस कर रहे हैं गाजियाबाद जंक्शन को और यहाँ पर इस गाड़ी का बिल्कुल भी स्टॉप नहीं है ठीक है। देखो हाई स्पीड के साथ गाड़ी हमारी निकल रही है यहाँ से। गाजियाबाद जंक्शन काफ़ी बदल चुका है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अपडेट हो गई हैं और बहुत कुछ नया हो गया। देखो ये देख के ना बिल्कुल लगता है जैसे अलीगढ़ का रेलवे स्टेशन है ना, वैसा वाला तर्ज पे इसको बनाया गया है। काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी नीट एंड क्लीन हो चुका है गाज़ियाबाद का जंक्शन। अभी देखो कितना प्यारा लगता है बाहर से। देखो इस ट्रेन में अगर मैं भीड़ की बात करूँ ना तो उतने ही लोग हैं जितनी सीटें हैं, एक भी लोग एक्स्ट्रा नहीं है।
नज़ारा देखेगा ना वो देख रहा है ना, अरसल का फॉग नज़ारा था, मतलब ठंडी आने वाली पहली पहल है ना वो हो चुकी है। अब आने वाला हमारा मनोहरी का रेलवे स्टेशन, आनंद विहार वाली ट्रेन है और आज बहुत ज़्यादा लेट हो गई है। मैंने भी जर्नी किया था इससे, उस समय भी ये ट्रेन लेट ही थी, मोस्टली ये ट्रेन लेट ही चलती है। पापा हम पहुंच गए, इसके पापा की दो बुकिंग थी सुबह 7 बजे आनंद विहार में, इसको अर्ली मॉर्निंग आने का टाइम है और अभी हो गए 6:10, गाड़ी अभी पहुँच रही है प्रयागराज। गाड़ी मेरी लग चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर, आज की जर्नी यहीं थी। मेरे को भी एक्चुअली जर्नी में मुझे भी नहीं मज़ा आया, तो आई थिंक आपको भी मज़ा नहीं आया होगा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी और ट्रैवल जर्नी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और होपफुली नेक्स्ट जर्नी जो होगी वो बढ़िया किया जाएगा। इस जर्नी में थोड़ा सा मेरी आँख लग गई और आपको कानपुर का स्टॉप मुझे दिखाना चाहिए था, वो नहीं दिखा पाया।